भारत के दोनों सदनों में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गया। इसे लेकर के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह से जनता टीवी संवाददाता ने खास बातचीत करी। क्या कुछ रही बातचीत, आप भी सुनिए। मेरे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह। सर, एक बड़ा और बोल्ड स्टेप जो है बीजेपी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर लिया गया है, आपकी तरफ से पहला रिएक्शन, किस तरीके की चेंज की उम्मीद जो है अब आप लगा रहे हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, जम्मू कश्मीर पिछले 1989 मतलब लगभग 30 साल से वहाँ आतंक का वातावरण है। बहुत घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें सिविलियन की वहाँ मौतें हुई हैं आतंकियों द्वारा, और हमारे जवान भी बहुत शहीद हुए हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान इसमें निहित है कि हम जम्मू कश्मीर के हालात को सामान्य कैसे करें। और एक सोच है ये कि ऐसे हालात बनने का सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि 370 और 35 ए की होते हुए एक सोच बन गई जम्मू कश्मीर में कि हम देश का हिस्सा तो हैं लेकिन अलग से हैं। और जब ये सोच बन जाती है तो उसमें फिर तीन तरह के लोग पैदा हो गए। एक तो सेपरेटिस्ट, अलगाववादी, एक ये कि ऑटोनॉमी हमारे को मिलनी चाहिए क्योंकि हमारा स्पेशल स्टेटस है, तो वो मोर ऑटोनॉमी, ज़्यादा स्वायत्तता की बात करने लगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीयता की बात करने वाले भी वहाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो इस परिस्थिति से पैदा करने में 370 धारा का बहुत बड़ा हाथ मैं मानता हूँ, और पाकिस्तान ने इसका बहुत हर तरीके से इसका इस परिस्थिति का उपयोग किया है हमारी छवि दुनिया में खराब करने के लिए। और वहाँ स्टेबलाइजेशन मतलब स्थायित्व लाने की जो भी हमारी कोशिश थी उसमें हमेशा पाकिस्तान ने कोशिश की कि हालात और बिगड़े। तो अमित शाह जी का जो कल का जो फैसला है जिसपे राज्यसभा ने मोहर लगाई 370 खत्म करने की, इसकी सारे राष्ट्रीय स्तर पे इसको लोगों ने इसकी सराहना की है। और ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सोच का ये हिस्सा था। और शुरू से जब से बीजेपी, मैं तो ये कहता हूँ जनसंघ के समय से एक स्टैंड रहा है हमारी पार्टी का कि धारा 370 गलत है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसके इस्तेमाल की वजह से हालात बिगड़े हैं ना कि सुधरे हैं। वहाँ की आर्थिक स्थिति जो सबसे कमज़ोर प्रांतों की श्रेणी में आके खड़ी हुई है जम्मू कश्मीर में, वो भी उसी का एक कारण है। तो इन परिस्थिति में 370 धारा खत्म करना ये देश हित में भी है और कश्मीर के हित में भी है और कश्मीरियत के भी हक में है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।